वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में। आपके पास है अंतिम 20 दिन, लास्ट 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं और आपकी परीक्षा जल्द ही आपके सामने होगी साइकोलॉजी की। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और उसी के साथ साथ अगर आप प्रीवियस वीडियोज आपने हमारे नहीं देखे हैं जहाँ पर आपको PYQ सॉल्व कराए गए हैं, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं फ्री में, जहाँ पे आपकी फ्री में क्लासेस हैं, NCERT वाले भी हैं, कुछ एडवांस टॉपिक भी हैं, तो उनको जाकर आप देखिए। स्पेशल वीडियोस करके उनका थंबनेल लगा होगा, उन जाके उन वीडियोस को भी देखिए और उसी के साथ साथ आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि आपको अंतिम 20 दिनों के अंदर किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का, किन महत्वपूर्ण पहलुओं का आपको ध्यान रखना है और जिस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी करके इस बार TRE 3.0 के अंदर आप जो है अपनी सफलता यहाँ पे निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात यहाँ पे कि अगर अभी तक आपने हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है बीपीएससी 3.0 के लिए उसको ज्वाइन नहीं किया है और आपको लग रहा है कि अभी हमारे पास समय कम है, इसको हम क्या करें, ज्वाइन करें ना करें, तो इसको आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, है ना। कम समय में भी आपको जो है आपके काम की चीजें मिल सकती हैं और आप 3.0 के अंदर आप सफल हो सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिटेल्स दी गई हैं, फटाफट से उन स्टेप्स को फॉलो करिए और जल्दी से आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। बात करेंगे देखिए 3.0 के बारे में और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे देखिए यहाँ पे आपकी किस चीज की, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके PYQs की। ठीक है, अगर आप 3.0 के अंदर बैठ रहे हैं तो PYQ आपको जो है काफी अच्छी तरीके से करके जाना है, है ना। TRE 1.0 के 80 सवाल, उसी के साथ साथ TRE 2.0 के 80 सवाल, ये जो दो 160 सवाल हैं इनको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इन 160 सवालों को अगर आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो ये जो है आपके 2 से 5 नंबर बढ़ा देंगे इस परीक्षा के अंदर, है ना। अगर आपको इसमें से 159 भी बन रहा है तो भी आप यहाँ पे क्या हो सकता है, एक आध मार्क्स आप लूज कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो इट इज वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप क्या करें, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगा के जाएं। कहाँ से लगाना है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए 2023 वाली, वहां पे पूरा पेपर आपको जो है सॉल्व किया हुआ है, सही गलत दोनों आंसर की के साथ में, मतलब सही वाली हमारी, गलत वाली जो है बीपीएससी के आंसर की, है ना, कि आंसर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीपीएससी के आंसर की में भी क्या मिलती है आपको, त्रुटियां मिलती हैं। ठीक है, त्रुटियां रहेंगी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इन त्रुटियों की वजह से क्या ना हो जाए, आपकी एक मार्क्स लूज ना हो जाए, क्योंकि बीपीएससी जो है बाद में आंसर की उतनी सही नहीं करते हैं, है ना। इस बार कुछ सवालों को किया था, कुछ को नहीं किया था, तो इन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उन त्रुटियों से खामियाजा आप ना भुगतें। ठीक है, अगर उनके एंड से कुछ गलतियां हो रही हैं तो ठीक है, तो आप क्या करें, 80 सवालों को आप अपना जो है वहां पे अच्छे से प्रिपेयर करके रहें, जहां तक साइकोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन क्या है, ये 80 सवाल, इन दोनों को आपको टोटल 160 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसको आप बिल्कुल किसी कीमत पे आप इसको मिस नहीं कर सकते, इसको मिस करेंगे तो लॉस किसका है, लॉस इसमें कम्प्लीटली आपका है। और अगर वहीं पर 4.0 वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, 80 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 3 बार, 80 80 80, ठीक है, जितना भी आएगा यहाँ पे एक्स आंसर, वो क्या करना है आपको 4.0 के लिए वो सभी पेपर आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो ये 3.0 होने के बाद ये तो हम सॉल्व कराएंगे आपको यूट्यूब पे ही यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन क्या है कि हमको जो है सर मैम आपको जो क्या करना है, अच्छे से PYQ करना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे अन्य पहलुओं के ऊपर। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो है आपकी, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए आपके पास केवल 20 दिन बचे हैं, तो NCERT से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है आपके लिए, NCERT से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है आपका PYQ। ठीक है, समय के अनुसार जो है आपको अपनी तैयारी में बदलाव करते आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अभी ये समय नहीं है कि आप पूरी की पूरी क्या करें, अभी आप पूरी की पूरी NCERT पढ़ते हुए बैठेंगे। ठीक है, अगर आप पहले से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक आपकी NCERT की 2 से 3 रीडिंग या 1-2 रीडिंग तो आपकी कम से कम हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो क्या करना है आपको, सबसे मेन प्रायोरिटी क्या देनी है आपको, आपको प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे आपके PYQs के ऊपर। ठीक है, NCERT पढ़ने का अभी उतना समय नहीं है, अगर आपने एक आध बार पढ़ लिया है तो ठीक है, 2 बार 3 बार जितना आपने पढ़ लिया है उतना अच्छी बात है। अभी क्या करें, अभी आप मैक्स टू मैक्स अपने PYQs लगाएं। PYQs लगाने के बाद अगर आपके आंसर्स जो हैं वो गलत हो रहे हैं तो क्या करिए, उनको जाइए अपनी ही किताबों में जाइए और उसके सवाल कहाँ मिलेंगे आपको, उसके जो सॉरी आंसर्स जो हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, NCERT के अंदर ही मिलेंगे।
और कहीं नहीं भागना है, और बेकार के सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें कि जो बेकार और भरमार, ठीक है, दोनों जो है ब से चीज और भ से चीजें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि बेकार के सवाल आपको नहीं लगाना है और भरमार सवालों की नहीं लगाना है। मतलब ये नहीं कि आप बैठ के 5,000 सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, कि साइकोलॉजी कहाँ से आई, अरस्तु ने दिया, प्लाटो ने दिया, सुकरात ने दिया, ठीक है, इस प्रकार के जो मतलब सवाल हैं जिनका कोई संबंध नहीं है, किसके एक स्टैंडर्ड चीजों से कोई संबंध नहीं है, तो उस प्रकार के सवाल आप यहाँ पर ना लगाएं, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करेगा? ये मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा, और जो आप चैनल देख रहे हैं वो भी मेंटेन करेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का आपका ध्यान रखना है कौन सी पेपर में आप बैठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं पीजीटी की परीक्षा के लिए, तो इस प्रकार के सवालों से आपने बचना है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या होने वाला है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट पे आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में आप क्या करेंगे, आप देखिए, ये बात 3.0 के लिए लागू होती है, साथ ही साथ आपके 4.0 के लिए भी लागू होती है, कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो अब समय क्या आ चुका है, अब समय आ चुका है कि आपके पास दी रखी है ग्लॉसरी, 11th क्लास की ग्लॉसरी तो हमने ही कंप्लीट कराई है, तो ग्लॉसरी को आप अच्छे से करेंगे। उसी के साथ साथ आप देखिए हर पार्ट के अंत में आपको क्या दी हुई है, वहां पे समरी दी हुई है, तो पूरा पार्ट पढ़ने का भी समय नहीं है, तो आप समरी जो है यहाँ पे आपकी, वहां से भी जो है आप अपना संक्षिप्त में, शॉर्ट में जो है वहां से अपना जो है यहाँ पे सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चीज आपको जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कम समय में आप क्या करें, 18 चैप्टर हैं आपके, इसी को आप बार 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 आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे 3.0 के अंदर, ठीक है। तो दो चीजें अभी तक सामने निकल के आ गई हैं, वो क्या है, पहली आपकी पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज के बाद आपके जो है ना ये 160 सवालों को ही अगर आप लगा लेंगे अच्छे से, मतलब 160 सवाल आपको जो है मुंह जुबानी याद होना चाहिए, इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों नहीं है, तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा 3.0 के अंदर कट ऑफ के ऊपर जाने से, ठीक है। ठीक है, कट ऑफ कितना भी आए, 40 आए, 50 आए, 55 आए, जितना भी कट ऑफ आए वो आपको नहीं डराएगा अगर आपने ये सब चीजें अच्छे से फॉलो कर ली। तो पहला आपका है पीवाईक्यू, दूसरी है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। अब यहां से निकल के आती है तीसरी चीज, वो क्या है, वो है आपके एक्स्ट्रा नोट्स या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यानी कि ऐसे सवाल जो बीपीएससी पहली पहली बार पूछ लिया है, जैसे आप एक देखिए सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की बात करें वहां पर हम, ठीक है, संवेग सिद्धांत की अगर हम वहां पर बात करें, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 3.0 के लिए, ठीक है। उसी के साथ देखिए पीवाईक्यू कौन बोलता है, रिपीट नहीं होते हैं, आपको देखिए आपका एक सवाल था आईक्यू वाला, आईक्यू इज इक्वल्स टू MA/CA × 100, ठीक है। ये सवाल का जो आंसर है, खैर वो बीपीएससी ने गलत दिया लेकिन ठीक है, चलिए जाने दीजिए, आपको केवल इस फॉर्मूले से लगा के उसका जो है आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए 1.0 में भी आया था, 2.0 में भी आया था, क्या पता ये 3.0 में भी आ जाए, तो इसको आप अच्छे से याद करके रखें कि MA/CA होता है, गड़बड़ी ना कर दे एग्जाम हॉल के अंदर कि आप CA/MA करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसी आप गड़बड़ी बिल्कुल ना करें, ये फॉर्मूला होता है, हो सकता है 3.0 में अगेन वो रिपीट कर दे, संभावना कम है रिपीट होने की क्योंकि दो बार जो है लगातार रिपीट हो चुका है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, इस सवाल को आपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसी के साथ देखिए आपके जो शोध वाले पॉइंट है, जो आपके रिसर्च वाले पॉइंट है, जैसे आप देखिए एक सवाल पूछ रहे हैं वो कहाँ से, एक सवाल पूछ रहे हैं वो आपके काय स्क्वायर से, ठीक है। तो काय स्क्वायर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो भी ऐसे अलग अलग पॉइंट निकल के आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब शायद हो सकता है इस बार काय स्क्वायर आपसे ना पूछे, ठीक है, काय स्क्वायर आपसे ना पूछे, इसकी संभावना भी बन रही है, दो बार कंटिन्यूअसली पूछ लिया है तो मे भी शायद वो चेंज कर दे, ना पूछे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है इसके बारे में भी, ठीक है। उसी के साथ देखिए कहीं भी आप देखेंगे, मतलब कहीं भी क्या, खैर यही देखिए आप, आपको स्लीप के बारे में कहीं नहीं बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको देखिए स्लीप के बारे में आपको दो सवाल कंटिन्यूअसली रिपीट कर दिए, ठीक है। पहले बार में पूछा था उन्होंने स्लीप के बारे में कुछ, तो भी दूसरे बारे में पूछा था कि जिसका आंसर क्या था, मेलाटोनिन था, कि उसमें क्या स्त्राव होता है, ठीक है। हो सकता है इस बार पूछ ले स्लीप के दौरान आपके हाइपोथैलेमस में क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज़ एक्टिविटी होती है, क्या नहीं होता है, तो वो सब आपको जो है पढ़ के रखना है। उसी के साथ देखिए शोध में आपको मालूम रखना है कि क्या सारी चीजें हैं, शोध के लिए देखिए आपका सेकेंड चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी का, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। उसी के साथ देखिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं किससे, किसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, वो कोरिलेशन के बारे में, ठीक है। सहसंबंध क्या होता है, क्या उसकी रेंज होती है, वो आपको मालूम रखनी है, -1.0 से लेके 1.0 तक यहाँ पे इसकी जो है रेंज रहती है। दो तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपके दी हुई हैं एनसीईआरटी में, इसको आपको पढ़ के रखना है अच्छे से, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कोई और अच्छे से पढ़ेगा एंड वो पास हो जाएगा, और आप जो है अपना, हो सकता है कई किसी लोगों का आखिरी अटेम्प्ट हो, अगर आगे शायद वो पांच नहीं करते हैं तो आखिरी भी हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे कवर करके जाएंगे अच्छे तरीके से।
है, ताकि आपकी जो लास्ट टाइम गलतियां हुई थी वो गलतियां आपसे इस बार यहाँ पर ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो देखिए आप लोग के लिए एक और जो है यहाँ पे अच्छी खबर क्या है, अच्छी बात क्या है कि ये 3.0 वाली परीक्षा दे कौन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई भी आपका न्यू कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है, नया कॉम्पिटिशन आपका कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कौन है, 1.0 के फेल अभ्यर्थी है प्लस 2.0 के फेल अभ्यर्थी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2.0 में मैक्सिमम लोग कौन से हैं, जिनका 45 कट ऑफ गया था तो उनके कैसे आए होंगे, 44, 43, 42, 39 जिनका कट ऑफ था उनके कैसे आए थे, 38, 37, ठीक है। तो लगभग लगभग जो बॉर्डर वाले लोग थे उन्हीं की एक बार अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हीं की अगेन एक बार यहाँ पर फाइट है इस बार 3.0 के लिए, ठीक है। तो बड़ा कुछ ऐसा भारी बदलाव कट ऑफ वगैरह में संभावना कम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके 2.0 और 1.0 के जो अभ्यर्थी थे उन्हीं के बीच यहाँ पर कम्प्लीटली कॉम्पिटिशन है। बाहर से एसेट जो इस बार होने वाला है वहाँ के कोई भी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपका इस बार हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई आपको करनी होगी। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि पेपर इस बार वो शायद उतना ईजी सेट ना करे जितना लास्ट 2 टाइम से हो रहा था, ठीक है। क्योंकि बच्चे अब जो है, बच्चों को मालूम पड़ चुका है कि एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है। पहले तो क्या क्या पढ़ रहे थे बच्चे, अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं प्रॉपरली, उनको चीजें मालूम है, एनसीईआरटी पढ़ना है उनको बार बार, ठीक है। आप मान के चलिए कम से कम आप 5 बार एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपके सवालों की जो है वहां पे एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। कम से कम 5 बार आपको पढ़ के जाना है तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। अगर आपको लगता है 1 या 2 बार करने से आपका हो जाएगा, तो बहुत ही रेयर चांसेस है यहाँ पर कि 1-2 बार रीडिंग से आपको सारे सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे, बनेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कहीं डाउट रहेगा कुछ रहेगा, क्योंकि जब क्या होगा, जब कम से कम आप 5 से 6 बार पढ़ लेंगे इसको, तो आपके स्मृति में जाके जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाएंगी, वहां से आपका एलटीपी स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीजें वहां से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको जो है अगले 20 डेज के अंदर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अभी तक तो आप भूल गए होंगे क्या क्या करना है, काफी सारी चीजें हो गई हैं, तो इसको एक बार समराइज करते हैं यहाँ पे कि आपने क्या क्या चीजें करनी है अगले 20 दिनों के अंदर। आज है 18 तारीख, रविवार के दिन, तो आपका अगले 20 दिन के अंदर देखिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज का आपका एक एक सवाल आपको बनना चाहिए अच्छे से। उसके बाद आप उठाएंगे अपनी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का अगर हम बात करें तो जो आपके ग्लॉसरी वाला पॉइंट है, जो आपके समरी वाला पॉइंट है, उसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद एक और चीज जो बचती है अंतिम यहाँ पे आपकी, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर पीवाईक्यूज हो गए आपके, एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी के अंदर ग्लॉसरी एंड समरी हो गई, एंड ये जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या एक्स्ट्रा जो नोट्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये जो आपका आ रहा है इसको आपने अच्छे से करना है, यहाँ आपसे भी आपको सवाल ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 30 सवाल आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, बाकी के सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे, या उल्टा भी हो सकता है, 50 यहाँ से मिल जाए, 30 यहाँ से मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेन सवाल का जो थीम है वो यहाँ से बेस्ड रहेगी, हाई लेवल पे सवाल अगेन जाएंगे जैसे लास्ट टाइम भी गए थे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है ना। चेकबॉक्स नंबर 1, चेकबॉक्स नंबर 2, चेकबॉक्स नंबर 3, इन तीनों को आपने टिक कर लिया तो आपका मान के चलिए कि 3 ही चेकबॉक्स है, तो 3.0 में आपका जो सफलता है वो लगभग लगभग जो है निश्चित हो जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजी में तो आप इतना कर लेंगे तो आपका नो डाउट अच्छा स्कोर जाएगा। बाहर से वो कुछ उटपटांग पूछने नहीं वाले हैं अगेन, ठीक है। जो आपके पास चीजें हैं उन्हीं से पूछा जाएगा, 2-4-5 सवाल होंगे जो अजीब गरीब होंगे, बाकी सबका सब कहाँ से रहेगा, आपके सिलेबस से रहेगा, ठीक है। जैसा कि आपको पहले से बताया हुआ है, तो सिलेबस को आप जो है अच्छे से फोकस करके पढ़ें, ठीक है, और यहाँ वहाँ की चीजों में आप बिल्कुल भी अपना जो समय है उसको खराब ना करें, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना जीएस जो है उसको भी प्रिपेयर करें। जीएस के अंदर भी आपके जो 40-40 सवाल हैं है ना, उनको आप लगा के रखिए। पीवाईक्यूज जो है, नदियाँ पहाड़ कौन सी हैं बिहार में, इंडिया में या फिर विदेश में जहाँ भी है, उनको आप अच्छे से ध्यान रखें। मॉडर्न इंडिया में कब हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, उन सबको भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है करेंट अफेयर पे भी आप अपनी पकड़ बना के रखें, ठीक है। इतना सब करना है आपने, एंड देन उसके बाद आप बन जाएंगे एक सफल अभ्यर्थी 3.0 के अंदर, ठीक है। और फिर आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे टीचर बन जाएंगे आप 3.0 के माध्यम से, ठीक है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, बीपीएससी आपको एक गोल्डन चांस दे रहा है यहाँ पे, अच्छा मौका है, इसको आप फायदा उठाएं, इसका आप लाभ उठाएं और जल्द से जल्द जो है यहाँ पे मनोविज्ञान का शिक्षक जो है आप यहाँ पर बन जाइए, वो भी सरकारी, ठीक है। ऑल राइट, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी समस्या है आपके साथ, आपको ये सब चीजें करने में कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको और भी अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको लगता है कि नहीं ये मौका आप चूकने नहीं देना चाहते अपनी तरफ से, है ना, लास्ट टाइम भी आपने सेल्फ स्टडी की थी, है ना, इस बार आप अगेन वो गलती कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें। अगर आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए तो उसको आप ज्वाइन करेंगे,
तो ये जो सारी चीजें हैं आपके चेकबॉक्स 1 2 3 ये सारी आपकी ऑटोमेटिकली टिक होते जाएंगी। आपको जो जो आपको ग्रुप में दिया जाएगा ठीक है उन सबको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है एंड देन एग्जाम के दिन आप जो है लगभग लगभग सारे सवाल वहां पे आप अच्छे से कर लेंगे ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, अभी भी समय है। लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 7 दिन पहले 5 दिन पहले ज्वाइन किया था ठीक है, एंड वो आज जो है आज वो शिक्षक बन चुके हैं मनोविज्ञान के ठीक है। तो देर कभी भी नहीं हुई है, आपको ध्यान रखना है। 7 दिन 5 दिन वाले भी लास्ट टाइम उन्होंने किया था, तो आप भी अभी तो काफी समय है तो इसको भी आप कर सकते हैं ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें ठीक है। ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स जो है वहाँ पे नीचे दी गई हुई है, फटाफट से उनको ज्वाइन करिए। ग्रुप में ज्वाइन हुई है, मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उनको लगाइए, और भी जो सारी चीजें हैं उनको भी समय से करते रहिए ठीक है। और आपके लिए स्पेशल वीडियोज भी बन रहे हैं तो उनका भी वहां से आप लाभ उठाएं ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये बातें जो है समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो दे रहे हैं इस बार का पीजीटी 3.0 ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है, कुछ भी है, तो आप कमेंट जो है उसको कर सकते हैं, आपको उचित रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।